गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, जिसका टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगा और फिर जो बाकी रेस्ट ऑफ टॉपिक रहेंगे वो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। बुक से पढ़ाना चालू करता हूँ। लाइफ ऑन द अर्थ की बात हो रही है। ओनली इन द बायोस्फीयर, धरती पर इस अर्थ पे जो लाइफ जो जीवन है वह कहाँ पे पॉसिबल? बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर होता क्या है? मैंने पीछे भी डिस्कशन किया था कि बायोस्फीयर एक वो ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर यानी कि लैंड यानी कि भूमि, हाइड्रो यानी कि जल यानी कि वाटर, और एटमोस्फीयर यानी कि जहाँ पे एयर, ठीक है, मिलते हैं। और मिलने के बाद तीनों स्फीयर मिलकर जो जोन बनाते हैं या जो स्फीयर का निर्माण करते हैं उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। दैट्स मीन्स जैव मंडल, ठीक है। यानी कि बायोस्फीयर ही वो नैरो जोन है जहाँ पे इस अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाया, लाइफ पॉसिबल हो पाया है। ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी। अब एक बात कर रहे हैं कि सभी जीवों को जो भी इस धरती पर है उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स हो या अदर जो लिविंग बींग्स हो, उन्हें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? बाय फूड, भोजन से एनर्जी प्राप्त होती है। तो यानी कि यह फूड हमें प्राप्त कहाँ से होता है, इस बारे में डिस्कशन करना होगा। तो इन्हें गिवन एरिया फूड प्रोड्यूस फ्रॉम मटेरियल्स फाउंड इन द एनवायरनमेंट। तो फूड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फूड प्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट से। और एनवायरनमेंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे से और दूसरे से तीसरे से। इस प्रकार से ये पूरा प्रक्रियाएं चलती हैं, ठीक है। और उस पूरे प्रक्रिया को अगर हम लोग साथ में लें तो इसे हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। इको सिस्टम वह प्रोसेस है जिसके द्वारा इस अर्थ पे फूड प्रोसेस की प्रक्रियाएं चलती हैं। यानी कि प्लांट से हमें फूड मिलता है, प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो प्लांट को एनर्जी सॉयल से मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है, ये सभी चीज़ों से। यानी कि प्रोसेस, जो प्रोसेस से इस अर्थ पे लाइफ चलता है, ठीक है, और जिससे हमें फूड प्राप्त होता है उस प्रोसेस को हम लोग इको सिस्टम कहते हैं। यानी कि कैसा इको सिस्टम तैयार करता है हमारा अर्थ, ठीक है, नेचुरली, कि जिससे फूड प्रोसेस हमारा नेचुरली रूप से चलता है, जो हमारे इस अर्थ पे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ही आवश्यक है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एवरी इकोसिस्टम, ठीक है, पौधे हो या जीव जंतु हो, ठीक है, ये अगर सभी साथ में मिलकर ही चलेंगे तभी इस इकोसिस्टम का बैलेंस रहेगा, जो बैलेंस बना रहेगा, जो अर्थ पे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ही ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड पैराग्राफ में बात कर रहा है कि प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फूड। पौधे जो हैं हमें भोजन के साथ साथ टिम्बर अदर भी दूसरी चीज़ें देते हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं। यानी कि प्लांट्स एक ऐसा आ सकते हैं, प्लांट्स कॉम्बिनेशन अगर लिया जाए तो ये हमारे सेटिस्फाइड को या हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी कि ये भी एक रिसोर्स में आ सकते हैं। दे आल्सो बाइंड द सॉइल एंड चेक सॉइल इरोजन। इसके अलावा पौधे जो होते हैं वो इरोजन का भी काम करते हैं, इरोजन को कम करते हैं। कैसे करते हैं इरोजन को कम? माउंटेन्स एरिया में देखेगा कि जिस माउंटेन के पास ज़्यादा प्लांट्स हैं उसमें लैंड माउंटेन्स जो लैंडस्लाइड होता है वो काफ़ी ही कम होता है, क्योंकि प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो माउंटेन्स को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, इस कारण से वहाँ पे वो कमजोर नहीं पड़ते माउंटेन्स के जो रॉक्स हैं, और इस कारण से वहाँ पे स्लाइड बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे ग्रास देखा जाए, घास हो, ठीक है, और घास पे अगर आप बहुत तेज से पानी भी मारेंगे तो वहाँ से सॉइल जो है वो फ्लो नहीं करेगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घास उस सॉइल को पकड़े हुए, टाइटली पकड़े हुए। अगर वहीं पर अगर घास उसको गायब कर दिया, उसी के कुछ दूर पर जहाँ पे घास नहीं हो, ग्रास नहीं हो, वहाँ पे अगर आप पानी मार कर देखे वहाँ से सॉइल की ऊपरी परत जो है वो इरोजन करना चालू हो जाएगा, वहाँ से फ्लो करने लगे। क्यों? क्योंकि उसको कोई टाइटली पैक करने वाला नहीं है। तो यानी कि प्लांट जो है वो इरोजन को भी कम करते हैं, ठीक है, यानी कि स्लाइड को भी काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सम एनिमल्स, कुछ जीव जंतु का हम लोग यूज भी करते हैं बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है, दूसरे चीज़ों में यूज किया जाता है, हम लोग एनिमल से मीट अदर वूल्स टर्स की ये सब चीज़ें प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीसीशन होते हैं।
तो यानी कि बिसाइड्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट, इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो किंगडम जो है वो बैलेंस करता है यानी कि संतुलित बनाता है हमारे एनवायरमेंट को। हेंस प्लांट एंड एनिमल्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि काफी ज्यादा कीमती संसाधन है। Environmental conditions such as availability of food, the range of temperature and the amount of rainfall influence the life pattern of plants and animals. कभी कभी वातावरण का जो कंडीशन जो होता है जैसे उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती है, टेम्परेचर, ये सभी भी काफी ज्यादा असर डालते हैं वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स पर काफी ज्यादा इनके पैटर्न में बदलाव भी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए अचानक समर से विंटर सीजन में हो जाए, यानी कि समर विंटर सीजन में हो जाए तो क्या होगा, आप देखते हो कि विंटर सीजन में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो आपके इनएक्टिव हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल घरों में आप लिजार्ड देखते होंगे छिपकली, जब विंटर सीजन आता है तो वो दिखते नहीं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, स्नेक इनएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि कोल्ड ब्लडेड हैं, तो वो पूरे विंटर शांत हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। कुछ पक्षियाँ जो है ठीक है जो देखते हो कि दूर देशों से उड़कर भारत आती है समर सीजन में, फिर भारत से जब विंटर सीजन होता है तो दूसरे देश से माइग्रेट करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें विंटर सीजन में उन्हें उस क्षेत्र में नहीं रहना था तो विंटर सीजन में दूसरे समर सीजन जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो चले जाते हैं। और अगर ह्यूमन बींग्स की बात किया तो हम लोग अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते वो नेगेटिव हो जाते हैं या माइग्रेट्स कर लेते हैं। तो यानी कि एनवायरमेंट में बदलाव भी जो प्लांट्स किंगडम है एनिमल्स किंगडम है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर प्लांट्स किंगडम की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो विंटर सीजन में फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वो अपने आप को भी इनएक्टिव कर लेते हैं। आगे अगर बात किया जाए द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो नेचुरली इन एरिया, अगर एक क्षेत्र में ठीक है जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट ना के बराबर हो और वहाँ पे प्लांट्स काफी तेजी से डेवलप हो रहे हो, नेचुरली ग्रोथ करें, नेचुरली वो उग रहे हो, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस कंप्राइज द नेचुरल वेजिटेशन और दैट एरिया, नेचुरल वेजिटेशन इज द डिटरमाइन मेनली द टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बिना कोई इंटरेक्शन करने के बाद भी यानी कि बिना कोई हेल्प के पहले ही वहाँ पे पेड़ पौधे उगना चालू हो जाए, अपने से उगने लगे ठीक है, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं। द टाइप ऑफ वेजिटेशन की अगर बात की जाए तो वो डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे, रेनफॉल पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट में रेनफॉल ना के बराबर होती है तो वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, वहाँ पे थ्रोनी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सर्फ टाइप हर्फ टाइप के होते हैं, और सर्फ टाइप्स के होते हैं क्योंकि उन्हें वाटर की उतनी जरूरत नहीं होती है, जिन्हें वाटर की जरूरत होती है वो उस प्लांट उस क्षेत्र में नहीं उगते हैं। और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे पौधे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या जहाँ के मोस्ट टेम्परेचर होता है यानी यहाँ का ह्यूमिड टेम्परेचर होता है वहाँ के पौधे जो होते हैं वहाँ पे भी पौधे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू।